नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूँ संध्या खजूरिया। तो आइए नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के द्रापशाला में आज टनल का निर्माण किया गया। ये काम BCC के द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता पारुल दुबे की ये रिपोर्ट। नमस्कार, तो मैं हूँ आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। इस टाइम पे हम द्रापशाला किश्तवाड़ में हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे यहाँ पे आज BCC कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे एक टनल बना जा रहा है। यहाँ पे पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी लैंड स्लाइडिंग्स को लेके, रोड्स को लेके, तो ये एक अच्छा निर्णय था इसको टनल का लेके, टनल को लेके एक बहुत सही निर्णय था जो आज इसका ये होने जा रहा है। BBC जो है बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है, ये टेंडर उनके पास है, इस टनल का टेंडर उनके पास है। आज ये ब्लास्टिंग है, इसकी फर्स्ट ब्लास्टिंग है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने पीछे यहाँ पे कि किस तरह से काम चल रहा है। यहाँ पे डायनामाइट्स की वायरिंग को किस तरह से बिछाया जा रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से BCC के वर्कर्स जो हैं किस तरह से काम पर लगे हुए हैं। ये कुछ दिन पहले ही हो जाना था लेकिन वेदर कंडीशन के कारण जिसको डिले कर दिया गया, और आज 6 जनवरी 2021 के दिन आज इसको ब्लास्ट किया जाएगा। डायनामाइट्स इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ब्लास्टिंग हुई आपको मैंने दिखाया, और मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि जिस जहाँ ब्लास्टिंग हुई है वहाँ पे क्या हाल है। आप मेरे साथ आएँ, आप एक बार, मैं आप सबको कैमरा रुक करा के दिखाना चाहूँगा। ये एक हिसाब से कामयाब ब्लास्टिंग साबित है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी बात थी BCC के लिए, यहाँ के वर्कर्स के लिए, यहाँ के इंजीनियर्स के लिए, ये हर एक के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको कैमरा रुक करके पूरा दिखाना चाहूँगा। यहीं पे डायनामाइट्स फिट किए गए थे, आप देख सकते हैं, ये वही एरिया है। बट कहीं क्या सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ के वर्कर्स के लिए और BCC कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमारे साथ NHI DCL के जनरल मैनेजर जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे इस टनल के बारे में कि क्या कितना इसकी लेंथ है, क्या है, तो हम इन्हीं से वार्तालाप करेंगे। आइए, तो सर आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट पे। सबसे पहले ओके, आज हमने ये अपना इसका पहला ब्लास्ट लिया है, और यहाँ पे जो टेक्निकल टीम है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, यानी कि बेग कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से और NHIDCL की तरफ से, इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट एंड टू अचीव द टारगेट्स विद इन लेट डाउन टाइम फ्रेम। बाय अगस्त वी प्लान टू मेक अ ब्रेक थ्रू। ये ब्रेक थ्रू होने के बाद ये एक 495 meters का टनल है, जिसके साथ उसके बाद इसके टनल के नॉर्दर्न पोर्टल पे इसका 110 meters का एक ब्रिज आएगा और अप्रोचेस बनेंगे। ये टनल की रिक्वायरमेंट इसलिए पैदा हुई क्योंकि ये साइट एक एक्सीडेंट प्रोन साइट थी, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हुए थे, और इसका ऑप्शन
टनल के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि चेनाब रिवर इसके साइड में फ्लो कर रही है, और टनल ही इसका लॉजिकल सॉल्यूशन था, लॉजिकल और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था। वी विल बी अचीविंग आर टारगेट्स विद इन अ लेट डाउन टाइम फ्रेम, एंड ये एक अच्छी शुरुआत है जो अभी आज हुई है। तो सर कब तक ये कंप्लीट होगा, आपको क्या लगता है? टनल का बेक टू अगस्त में कर देंगे, बट टनल फंक्शनल होते होते अगले साल जून लग जाएगा, प्रॉपर ब्रिज और सब वो करते करते। तो सर इसकी बात छोड़ते हुए हम बाकी सुदमादेव टनल्स वगैरह अगर इनकी बात की जाए, तो सर क्या लगता है उनका जल्दी से जल्दी कवर होना चाहिए या क्या? नहीं, वो सब सब पे काम जारी है, इन द सेंस DPR प्रिपरेशन से फाइनलाइजेशन से लेके लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ये पूरे स्ट्रेच पे जारी हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये परवीन अलावात थे जो जनरल मैनेजर है NHIDCL के। तो इन्होंने बताया कि इस टनल के बारे में, जैसे आज इसकी ब्लास्टिंग थी, आज पहला दिन था इस ब्लास्टिंग का। आप मेरे पीछे बराबर देख सकते हैं, ये वही, हम बिल्कुल साइड पे हैं, बिल्कुल ये वही एरिया है। तो इन्होंने बताया कि इसको अगस्त तक कर दिया जाएगा, बट आगे कुछ फंक्शनल चीज़ों में टाइम लगेगा, आगे ब्रिज भी है जो वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं पारुल दुबे, द लोकल रिपोर्ट से।